तुम्हारी लाइफ है, यू नो, आई मीन स्ट्रेट और गे या जो मर्जी हो, दैट्स योर राइट। लेकिन किसी और की लाइफ बर्बाद करना, दैट्स नॉट योर राइट एंड इट्स नॉट राइट। जब इतनी टॉक्सिकता देखने को मिल ही रही है, तो क्यों ना आप टॉक्सिक पार्टनर्स के बारे में भी बात की जाए। और यार सब्सक्राइब भी कर दो यार, अच्छी बात नहीं है ये, देख के निकल जाते हो बार बार, भीख मंगाओगे क्या अब इसकी भी। अनशंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक आपकी स्क्रीन पर है। हम कंपैटिबल नहीं। कैसे कंपैटिबल नहीं हो? हां, तुम दोनों यंग हो, सक्सेसफुल हो, पंजाबी हो, स्क्वैश खेलते हो, टेनिस। बाहरी दुनिया के लिए नीलू माय ब्यूटीफुल वाइफ, जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मैं कुछ भी नहीं था, और आज अगर तुम्हारा साथ ना हो तो मैं कुछ भी नहीं। आई लव यू नीलू। और आपस में अकेले मैं अपने पैसे के साथ जो चाहे करूँ। ओके, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे पास पैसे इसलिए क्योंकि मैंने कमाए, मैंने, और तुम्हें सपोर्ट मैंने किया है। शट अप। अगर गलती से बेचारे ने भावनाओं में बहकर एक्चुअली में रोमांस कर दिया, एक्टिंग क्यों कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा। यहाँ ना दोनों में से कोई कम नहीं है, बंदे का वैसे भी अफेयर चल रहा था। शादी में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, अफेयर नहीं तो कुछ और, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाथ ऊपर कर लो और निकल पड़ो। पर क्यों नहीं? क्योंकि वो आसान है। ऊपर से ये बंदी अपने बच्चे की ही प्रॉब्लम सुनने के लिए इसके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। हम दोनों के बीच अच्छा, मुझे नहीं सुना। मानव अच्छा लड़का है, ही इज डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ, और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। आराम से स्पा में लेटी हुई है, सीलिंग देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रो। इसलिए उसे मैंने कहा अगर बच्चे साथ रहना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली हमें कोई एतराज नहीं। उन्हें एतराज क्यों नहीं लगा, हमसे रिश्तेदारी में उसको फायदा ही फायदा। अपने बिजनेस के फायदे के लिए बेटे का रिश्ता इनके साथ करवा रहे हैं। लेकिन मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्लेन चाहिए कि नहीं तुम्हें? आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं। डोंट बी सिली। नो, व्हाट्स गोइंग ऑन? बेटी के साथ भी सेम ही किया था वैसे। बेटा, दे मेड फॉर ईच अदर। या पापा, आपने मेरे और मानव के बारे में भी ये कहा था, और मैं उसको डिवोर्स करना चाह। अरे भाई, बच्चों से तो पूछ लो, उनको क्या चाहिए, कोई पूछ ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ? कह रही थी दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? मैंने पूछा नहीं। तुमने पूछा ही नहीं। हर शादी में प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। क्या कमाल की एडवाइस दिया तुमने नीलम। अपने एनिवर्सरी के दिन अंग्रेज के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। प्लीज मुझे मैरिज मत करो, उसको लेट पर लीच की तरह चिपके हुए। हैवी गॉन मैड? वो हमारे मेहमान है, उनकी देखभाल करना सिर्फ मेरा काम नहीं, तुम्हारा भी है। मेरी जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो नहीं है मुझ में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बंदी कह रही है वो खुश नहीं है शादी में, तो जवाब सुन लो इनका जरा। शादी में ये सब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, तुम दोनों जल्दी से जल्दी एक बच्चा पैदा कर लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। सही कह रही हैं आप। मुझे लगता है इंसान पे ना जितना पैसा आता है ना, वो उतना ही होता जाता है। And you get that straight! अरे बहन, खुश नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? और लास्ट में ले दे के भांडा फूट ही जाता है। फैमिली में सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता ही नहीं है एक दूसरे से। क्या बात करनी है तुम्हें? फिर लास्ट में दोनों ठीक हो ही जाते हैं, बॉलीवुड मूवी है, होना ही था। देखो ना, तुम्हारा हर कोई बनाएगा, पर तुम्हें उसको चुनना है जो तुम्हें कम किया बनाए। यू जस्ट शट अप। ओह थैंक यू, यू शुड थैंक मी, यू शुड ब्लडी वन थैंक मी, क्योंकि मैं किसी भी चीज में तुमसे कम नहीं हूँ। एक दिन भरी बरसात शिखा आकाश से टकराती है, वो उसका छाता ठीक कर देता है और गलती से वो उसकी किताब ले जाती है। अरे आपकी किताब? पढ़ लीजिएगा, अच्छी किताब है। शिखा का पति ऑलरेडी था, पर साथ में अकेले टाइम स्पेंड करने से दोनों की ही फटती है, तो हर रोज लोगों को बुला लेते हैं और अकेले में एक दूसरे में उंगली करते हैं। इस घर में एक चीज अपनी जगह पे नहीं रहती। चिल्लाओ मत। तुम मत चिल्लाओ। रियली रियली अपसेट। तुम्हारा पीरियड्स चल रहा होगा। गीला टॉवल बेड पर ये चीज अब तक धुली क्यों नहीं है? कंफ्यूज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड इरिटेटिंग। देखो मिस्टर, शुरू मत करो, हमेशा अपने दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती क्यों करते हो? तो नए दोस्त ढूंढ लो। भाई जब खुश नहीं होना साथ तो मत रहो ना। If not happy, then just leave. I'm pregnant. हम अफोर्ड नहीं कर सकते कार का EMI भरना। You're such a chauvinist. You go to hell. I am living in hell. You're right, bro. अरे पर रात को सोते टाइम तो सब ठीक हो जाता होगा ना? पर अब हमारी खामोशी भी आपस में झगड़े करती है। बंदा अपनी एनिवर्सरी भूल गया, चल कोई बात नहीं। फिर ऊपर से ये जवाब दे रहा है। आज का डेट क्या है रंजीत? 15 जुलाई। तुम आज का दिन भूल गए? देखो तुम हैंडल करना है सब, I'm busy. अपनी एनिवर्सरी पार्टी पे मुंह फेर कर दूसरी बंदी के साथ गुलछर्रे उड़ाने का प्लान था, इसलिए क्योंकि इसके साथ मुझे वो खुशी वो शांति मिलती है जो घर पर नहीं मिलती। आई फील लाइक 20 अगेन, फ्री एंड फुल ऑफ जॉय।
पर बंदी भी नहीं मानी, फिर से ट्राई करा अपने धोखेबाज पति को वापस बुलाने का। बहुत बढ़िया बहन, एक साल अगर तुमने एनिवर्सरी मेरे बिना ही सेलिब्रेट कर लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुमने मुझे बहुत ही एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाला है एमजी। हाउ कैन यू डू दिस? एक तो खुद उसकी जॉब छुड़वाई। किसने कहा मुझसे कैन हैंडल एवरीथिंग, लेट्स हैव अ बेबी, तो बच्चे को संभालना मैं खर्चा, पिछले 8 सालों से वही तो मैं कर रही हूँ, सारे सैक्रिफाइसेस मैंने ही तो किए, तुमने क्या किया? झूठ बोला, ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। बंदी ने बोला, आज के दिन तो जल्दी आ जाते यार, तो ये सुना रहा है। इसके लिए पैसे लगते हैं और वो मैं कमाता हूँ, तुम्हारी तरह टीवी के सामने बैठा नहीं रहता हूँ मैं, स्टैचू की तरह, एक हाथ में रिमोट, वहाँ एसी और देखती क्या हो यार तुम टीवी में, औरतों का शोषण। अबे ओ दल्ले, तू तो चुप ही रह, देखा था मैंने क्या ऑफिस का काम चल रहा था तेरा। जो भी करना तमीज से करना, यहाँ बदतमीजी भी तमीज से की जाती है। बंदी है तो बड़ी कड़क। कभी भी कहीं भी चटक जाती है। गोली मार दूंगी। बाहर निकाल दो। रुक मां, जुआ कैसे? एक नंबर की डायलॉग बाज है। ध्यान से, इनकी तबीयत आजकल जरा ठीक है। हमारी तबीयत तो आप है साहब, पर आपके लिए कुछ लाना तो नहीं? ला सके तो हमारी रातें ले आइएगा। और दोनों का अपना अलग अलग सीन मच रहा है भाई बाहर, फुल पावर। कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम चले जाओगे तो मैं फिर अकेली पड़ जाऊंगी बीमार। और इतना चिल सीन है इनका आपस में कि साहिब की बंदी आ रही है घर पे और ये अपने बंदी के साथ बाहर जा रही है। अरे तुम उसे क्यों परेशान हो रही हो, है कौन वो? गाड़ी रोको, मुझे वापस जाना है। Crazy. प्लानिंग प्लॉटिंग करके साहिब की आइटम को उसी से मरवा देती है। अपनी सेटिंग का भी गेम बजा देती है। साहेब बनोगे तुम तो हुकुम चलाते अच्छा नहीं लगते, मैं तुम्हारे बगल में रहती तो लोग मुझ पर तरस खाते और तुम पर हंसते। बड़ी हिम्मत आ गई तुम्हें, नौकरी कर ली अपनी मर्जी से, हमसे बिना पूछे। एक तो इसका पति सिर्फ 2 हफ्ते के लिए इंडिया आता है और उतने में ही 3 बच्चे और 3 अबॉर्शन। अरब हर सेक्स के बाद पिल लेती हो तुम, इट्स वेरी रिस्की शी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बेचारी को इन्फेक्शन हो जाता है बिना प्रोटेक्शन के मचाते हुए और ये भोस का समझ ही नहीं रहा। जलन हो रही है। अच्छा, पहले नहीं होती थी जलन, जब से सऊदी से हूं जलन भी होने लगी तुम्हें। डॉक्टर को भी बताए तो क्या बताए यार बंदी, कि यहाँ तो मेरा पति ही दल्ला है यार। दिस इज द ओनली ऑप्शन। दरअसल वो जज्बात में बह जाते हैं तो उस टाइम कॉन्डम। तुम अपने जज्बाती हस्बैंड को मेरे पास भेजो, मैं देखती हूँ उसको। बंदी जाके उस गधे को कॉन्डम देती है यूज करने के लिए और वो लेंडी इंसान उसको फेंक देता है। उस गधे से छुप के जॉब भी करती थी बिकॉज ऑफ हिज खौफ, एक दिन सोचा बता ही देती हूँ, पर नहीं, गधे का बच्चा तो हमेशा गंदे मूड में रहता है। आप खाना खत्म कर लीजिए, कल टिफिन में डाल देना खुरमा, तुम केक भी बनाया है। उसकी जॉब वाली बात सुनी ही नहीं, ऊपर से उसके कंसेंट के बिना अश्लील हरकतें कर रहा है। एक दिन अपने पर्सनल गधे को वो किसी और गधी के साथ देख लेती है और फिर उसके बाद उसके घर पहुंच जाती है। आप मेरा वाला ट्राई कीजिए, इसे तो अभी आप यूज कर रही थी। ओ हाँ, आप मेरी चीज मुंह में कैसे ले सकती है ना? शीरीन असलम, वाइफ ऑफ रहीम असलम। चीटिंग के बारे में पता चलने के बाद इंसान वैसे माफी मांगता है, पर ये साला पता नहीं किस चौड़ में है भाई। उसके घर क्या सोच रही थी, बेइज्जत करने हमारी? आप हमारी बात सुनते तो नहीं जाना पड़ता ना, आपसे बात करने के लिए माशुका से मिलना पड़ता है, तो हम क्या करें? और ये बात सुन के वो कर देता है इसके चार्टर चेक। ये तो करा ही करा, ऊपर से नौकरी के लिए हड़का के चला गया। बीवी हो, शौहर बनने की कोशिश मत करो, नौकरी को ना बोलो कल से, घर पे बैठो चुपचाप। अब कोई बकरा नहीं बचने वाला साहब। आपकी खूबसूरती ना डरावनी लगती है आप साहब। पहले पति के एंगर इश्यूज इतने थे कि और साथ ही साथ नौकरों और बीवी के साथ भी बदतमीजी करता था। एक नौकर को तो उसने अंधा कर दिया भाई। फिर सुजैन को आ जाता है गुस्सा और उसको अब कहना मुश्किल था कि शराब के नशे में मेजर का पैर फिसला या फिर किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया। बहरहाल
मार देती है। अब दूसरा पति गाने चुराता रहता था और ये पैसे भरती रहती थी। वो मस्त अपना ड्रग्स में खज्जल रहता था और क्या। फिर एक दिन चीट करते हुए पकड़ा गया। They are just friends. Just friends. पता है हम लोग क्या खेल रहे थे? चोर पुलिस। तुम भी खेलोगी? जिमी चोर। होना क्या था भाई, फिर उसको भी। मरवा देती है। तीसरा पति बेड पे उसकी गर्दन फाड़ के रखता था। अपनी शायरी में वसीउल्लाह जितना नर्म और जितना रुमानी था, अपने प्यार में उतना ही बीमार। अलग ही फेटिश चल रहा लोगों का आजकल। ऐसे चांटे चेक करके कौन प्यार करता है? देवियों और संजनों। समय समाप्ति की घोषणा। चौथा पति एक रशियन जासूस होता है। तुम्हारे लास्ट वर्ड्स का मतलब था, डार्लिंग मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। ऊपर से बंदे की अपनी अलग एक फैमिली भी चल रही है यार। अरे यार, क्या बेचारी की जिंदगी में कभी ढंग से कोई लड़का आएगा भी कि नहीं आएगा यार। It's a part of my job, you understand? What? To have a wife in every country? हर देश में एक पत्नी। सांपों से भरे हुए कुएं में उसके पेपर फेंक देती है। अंग्रेज की औलाद लेने जाता है पर वापस कभी नहीं आ पाता। अंग्रेज की डेथ पे जांच पड़ताल से बचने के लिए कैजुअल सा चलाती है कुछ चेप पुलिस वाले के साथ एंड एंड्स अप मैरिंग हिम एज वेल। बट सून उसका भी खेल खलास हो जाता है। वायग्रा बॉटल में पॉइजन था। लीडिंग टू अ मैसिव हार्ट अटैक। टेरिबल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? शी किल्ड हिम। अब छठा पति इसकी जायदाद के चक्कर में होता है। बड़ा बुरा सा लग गया यार मुझे तो ना ये मूवी देखकर। बेचारी को प्यार ही नहीं मिल रहा यार तब से। अपनी फेक डेथ करके निकल लेती है कहीं दूर गांव में नई जिंदगी शुरू करने के लिए और इस बार भगवान से शादी करके वो नन बन जाती है। अपने सारे गुनाहों को कबूल भी कर लेती है। ये भी ठीक है। हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है क्या बोलती पब्लिक नाम से, रोड पे चलते हुए बकचोदी करने का। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दैट एज वेल। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दो ऐसी कंट्रीज बतानी है हैविंग द लेटर एक्स इन दैट। इस्तांबुल। इनके बारे में सोचो। इस्तांबुल वो तो सोच रहा हूँ। चलते चलते। What is methi called in English? देख ले 50 रुपए का सवाल है, बता दे। क्योंकि ये कैपिटल क्या? इंडिया के नहीं है कुछ, इंडिया से आओ। अगर सी पी आना है ना तो जी के बढ़ जाएंगे। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 37। अनकारा। ये तो सुना भी नहीं था कभी। मैं वीडियो बता दियो किसको अपलोड होगी, इसके पापा को दिखाऊंगा।